आई एम सुदर्शन गुप्ता, गवर्नमेंट एक्सेलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 शिवपुरी। आव्यूह यानी मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम। नमस्कार साथियों, आज हम प्रारंभिक रूपांतरण यानी एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा किसी आव्यूह का इनवर्स यानी प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करना। मान लिया ये कोई आव्यूह है और इस आव्यूह का हमें प्रारंभिक रूपांतरण एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा इनवर्स ज्ञात करना है। इनवर्स, इनवर्स यानी व्युत्क्रम या प्रतिलोम। हम जानते हैं कि किसी भी इकाई आव्यूह में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक का गुणा करेंगे तो वही एक आव्यूह आएगा, यानी किसी भी आव्यूह में आइडेंटिटी यानी इकाई आव्यूह का गुणा करते हैं तो वही आव्यूह प्राप्त होता है। हमारा ए कितना है वो हम लिखते हैं 1, 2, 2, -1। इकाई आव्यूह दो कोटि का कौन सा होता है? 1, 0, 0, 1। दो कोटि का क्यों लिया? क्योंकि ए हमारा दो कोटि का है। और ए, अब हम क्या करेंगे कि इसको आई बनाएंगे, यानी इसको इकाई आव्यूह बनाएंगे। इकाई आव्यूह मतलब 1, 0, 0, 1, इसको हम यहाँ पर बनाएंगे। और जो ऑपरेशन, जो प्रॉपर्टी हमें इसको इकाई आव्यूह बनाने में लगानी है वही प्रॉपर्टी हम इधर लगाएंगे, क्योंकि बीच में बराबर है, दोनों पक्षों में सेम ऑपरेशन लगेगा, सेम प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसको इकाई आव्यूह बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे वही प्रॉपर्टी को हम इस साइड लगाएंगे, तो इधर क्या बन जाएगा? आई। और जो प्रॉपर्टी इधर लगाएंगे आई बनाने में वो इधर लगाएंगे तो ये हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इधर आई बन जाएगा। तो इधर देखेंगे, इधर तो बन गया आई और इधर एक आव्यूह बन जाएगा और ये ए ऐसे ही रहेगा। तो क्या है कि किसी भी आव्यूह में उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आई आएगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि ए ए इनवर्स इक्वल आई होता है, यानी ए का ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तभी आई आएगा। यदि ए और बी दो आव्यूह का मल्टीप्लाई आई है, इसका मतलब है कि ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। यदि दो आव्यूह ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट आई है तो समझ लेना वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो बी ए इनवर्स, बी ए का इनवर्स हो जाएगा, तो बी को हमने ए इनवर्स लिख दिया, तो ए और ए इनवर्स, तो ए ए इनवर्स आई होता है। तो ऐसे ही हम इधर आई बना देंगे तो देखना ये आपका आई बन जाएगा, ये आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ ना कुछ एक आव्यूह बन जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा कि ये आपका ए इनवर्स कहलाएगा, क्योंकि ए इनवर्स का ए में गुणा किया तभी तो आई आया। तो इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। तो देखें इसको आई बनाने के लिए यानी 1, 0, 0, 1 है तो हमको ऐसा चलना पड़ेगा, पहले इसको 1 बनाएंगे फिर 0 बनाएंगे फिर 1 बनाएंगे फिर 0 बनाएंगे, मतलब ऐसा इस प्रकार से हमको चलना है। तो सबसे पहले जिसको 1 बनाना है तो हमने देखा हमारा 1 तो पहले से है ही, अब इसको 0 बनाना है और किसी पर ध्यान नहीं देना, पहले 1 पे इसके बाद में नीचे इस टाइप पर ऐसा चलेंगे, तो 1 के बाद में 0। अब इसको 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लाएंगे, जो कौन सा है R2, तो R2 को चेंज करेंगे, R2 में घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे R1 का दुगना, तो दुगना R1 का दुगना। तो हमने देखा कि ये R2 है, ये R1 है, तो R2 में R1 का दुगना, इसका दुगना इसमें से घटाएंगे, तो देखो इसका दुगना 2 जाएगा, 2 में से 2 गया 0। R2 को चेंज करना है, R1 को चेंज नहीं करना, तो R1 तो हम वैसे ही के वैसा लिख देंगे। अब यहाँ पे 0 हो गया, कैसे के R1 का दुगना करना है, तो R1 1 है तो 1 का डबल, जी पूरा R1 है तो इसका डबल 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0 हो गया। अब इसका दुगना 4, क्योंकि R2 यानी इसमें से घटाना है ऋण 1 और इसमें से घटाना है R1 का दुगना, R1 यानी 2 का दुगना 4, तो ये ऋण 4 और ऋण 5 हो गया, तो ये ऋण 5 हो गया। अब वही प्रॉपर्टी इधर लगाना है, R2 को चेंज करना है, R1 को तो नहीं करना, तो R1 तो आप वैसे के वैसा लिख दोगे, R2 को चेंज करना है तो फिर से वही देखें R2 कितना है आपका 0 और 1, तो R2 बदलना है इसको, R1 कौन कौन सा है 1 और 0, तो इसको R1 का दुगना करना है तो इसका डबल करके इसमें से घटाएंगे, इसको डबल करके इसमें से घटाएंगे, क्योंकि R2 में से घटाना है हमें,
तो इसका दोगुना किया दो, जीरो में से घटाया तो जीरो में से दो घटाएंगे, जीरो में से दो तो माइनस दो आएगा, और एक में से घटाएंगे, एक में से आर टू यानी एक, एक में से घटाना है तो इसका दोगुना तो जीरो रहेगा, तो वो आपका एक ही रहेगा। इस प्रकार से जो आपका ये आ जाता है वन जीरो। तो अब हमें यहाँ पर वन बनाना है, तो इसको वन बनाने के लिए माइनस फाइव का डिवाइड कर देंगे आर टू में, आर टू में ऋण पाँच का भाग लगाएंगे तो दोनों में ही लगाना पड़ेगा, तो इसमें ऋण पाँच का भाग लगाते हैं तो आर टू में हम ऋण एक बटे पाँच और आर टू, ऐसा कर दें कि आर टू में हमने ऋण पाँच का भाग लगाया तो क्या जाएगा, आर वन तो चेंज नहीं है, वन टू इसमें जीरो ही रहेगा, ऋण पाँच का भाग लगाया तो एक हो जाएगा, इसमें भी आर वन तो चेंज नहीं करना आर टू है, तो इसमें ऋण पाँच का भाग लगाएंगे तो ऋण दो में ऋण पाँच का भाग लगाएं तो ऋण से ऋण कट जाएगा दो बटे पाँच आ जाएगा, और एक में ऋण पाँच का भाग लगाएंगे तो वो ऋण एक बटे पाँच आ जाएगा, और ये ऐसे ही कैसा चलता रहेगा। अब वन जीरो जीरो, यहाँ पर जीरो लाना है तो आर वन को चेंज करना है, आर वन माइनस टू आर टू, इसका दुगना इसमें यहाँ पर घटा देंगे तो R1 इसमें से इसका दोगुना घटाएंगे, R1 में R2 का दोगुना घटाना तो इसका दोगुना इसमें से घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन का वन रहेगा, और इसका दोगुना R2 का दोगुना तो R2 ये पूरा R2 है तो इसका दोगुना इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, और R1 चेंज हो गया, R2 को तो चेंज करना नहीं है, इसमें भी R2 को तो चेंज करना नहीं है, ये तो हमने ऐसे लिख दिया। अब R1, R1 चेंज हो गया तो ध्यान रहे R1 कितना है वन, ये वन माइनस माइनस टू टू आर टू, आर टू कितना है दो बटे पाँच, तो ये दो दोनी चार बटे पाँच, पाँच एलसीएम आ जाएगा तो पाँच माइनस चार यानी एक बटे पाँच, तो कितना हो जाएगा एक बटे पाँच। अब आर वन, आर वन कितना है जीरो माइनस टू आर टू, आर टू कितना है ऋण एक बटे पाँच, कितना हो जाएगा जी ऋण ऋण धन के दो बटे पाँच, तो जी दो बटे पाँच। आप ध्यान से देख रहे हैं जी क्या बन गया आपका आई, ये क्या है ए, तो ए का ए इनवर्स में गुणा करेंगे तभी तो आई आएगा, ए इनवर्स का ए में करेंगे तभी तो आई आएगा, इससे क्या पता चला कि ए इनवर्स आपका ए है, एक बटे पांच दो बटे पांच दो बटे पांच और ऋण एक बटे पांच। इस प्रकार से आप किसी भी आवयव का एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाया हमने, रो ऑपरेशन, सारी पंक्ति रूपांतरण लगाया।